दोस्तों स्वामी विवेकानंद मंदिर जाने के लिए बोटिंग के लिए 75 रुपये का टिकट है और स्पेशल अगर जाते हैं तो 300 रुपये का टिकट है। आप देख सकते हैं वहाँ पर लास्ट जो बीच है यहाँ का सीन है, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, पर बच्चे देखिए बच्चे ही देख रहे हैं, यहाँ सामान है देखिए और थोड़ा सी सुंदरता यहाँ बनाया गया है, लेकिन लोग यहाँ काफ़ी फैला कर रखे हैं, ये चीज़ उनको समझ रहे हैं कि बीच पे जाएं तो कभी ये चीज़ ना करें। यहाँ का देख सकते हैं बहुत काफ़ी तेज़ लहरे हैं, तो समुद्र किनारे जब भी आप जाए थोड़ा सावधानी से रहें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बिंग आप करेंगे अपने आप को तो खुद डिस्टर्ब जाएंगे। और सामने आपको मैं दिखाया हूँ और सामने जो देख रहे हैं जहाँ वो क्रेन है वहीं से बोट मिलती है स्वामी विवेकानंद मंदिर पर जाने के लिए, और मैं आपको बता दूँ उसका लगभग चार्ज आपको 50 से 100 रुपए के बीच है। कोनी मेरे को फिर पता नहीं, मैं भी जाऊँगा तो पता करूँगा कितना उसका फीस है। तो हमारे वीडियो को आप बने रहें, मैं वहाँ भी चल के मैं स्वामी विवेकानंद जी को भी मैं मंदिर में आपको दर्शन कराता हूँ। और ये दोस्तों वेटिंग हॉल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर आप विश्राम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यहाँ मलयालम में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा गया है। ये आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, वेलकम प्रवेश। और ये देखिए देवंशी, और हम लोग वहीं से आ रहे हैं, वो माता पार्वती का है मंदिर और ये स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर है। तो ये जाने का है, बोट से उतरेंगे तो फिर 30 रुपये टिकट लेके फिर यहाँ जाने का है। और ये जो देख रहे हैं सेलटेक का जो बैरियर लगा है, यहाँ से उधर से रिटर्न आने का ही है। और ये है स्वामी विवेकानंद टेम्पल है और पूरा ये ग्राउंड है, देख सकते हैं चारों तरफ, तो यहाँ भी ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन बनाया गया है। और ये देखिए स्वामी विवेकानंद स्टैचू, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की उनका मंदिर है। और ये काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ है। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग स्वामी विवेकानंद मंदिर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत शांति का प्रतीक है और बहुत मज़ा भी आ रहा है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं और हमारे पीछे सारे देख सकते हैं, हर जगह टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी समुद्र के लुक देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ से नज़ारा दिखता है मंदिर पर से। तो कभी भी आप दिल्ली कन्याकुमारी आइए तो टेम्पल ज़रूर घूमने का प्रयास करिए स्वामी विवेकानंद टेम्पल, क्योंकि यहाँ का मेन यही है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि भी यहाँ से जाने के लिए नहीं जाएगा, फिलहाल निकल जो टाइमिंग है टाइमिंग के अंदर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और बोटिंग का भी टाइमिंग है, टाइमिंग के अंदर बोट के अंदर जगह पर पहुँचना पड़ता है, फिर वहाँ से रिटर्न कन्याकुमारी मंदिर पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर अपने आप जहाँ आप आए हैं वहाँ फिर प्रस्थान कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ का सारा लुक सभी दिखाए हम आपको, लेकिन अंदर का फुटेज अलाउड नहीं है,
लेना, तो इसलिए अंदर का केवल एक ही पीक मैं आपको वीडियो में दर्शाऊंगा। उसके लिए सो नेक्स्ट प्लेस में मिलते हैं। ये दोस्तों जो आप सामने हॉल देख रहे हैं, ये ध्यान मेडिटेशन हॉल है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया करते थे, ये वो हॉल है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाए करते थे, वो मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पर अब अंदर जाने पर बिल्कुल शांति का प्रतीक होता है, तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक अच्छे एक आपको शक्ति का अनुभव होता है, तो वो चीज़ देखने के यहाँ मिलता है। तो आप यहाँ भी आएँ तो 10 मिनट टाइम बिताने का प्रयास करें। और अभी इधर अब लास्ट इंड साहित्य सेवा बुक स्टॉल, तो यहाँ भी वो भी बुक करवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी का लाइब्रेरी है, आप यहाँ से ले सकते हैं बुके वुके। बड़ी लाइब्रेरी है, देखिए पूरी एक साइड टोटल लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी है। थोड़ी सा ही हम अंदर से दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये बापू संग्रहालय है, जहाँ गांधी जी ने लास्ट बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे। और ये वही जगह है जो कन्याकुमारी में स्थित है, बिल्कुल सनसेट पॉइंट से 400 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ से सनसेट पॉइंट भी 400 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं, और हम थोड़ा चलते हैं इसके ऊपर भी। यहाँ पर बापू की सारे यादें आपको मिल जाएगा, यही ये पोस्टर आप देख सकते हैं जो बापू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से लास्ट बार मिले थे। और यहाँ सब कुछ आपको आपको बापू से बापू किन किन लोगों से मिले थे आज़ादी के टाइम, आपको सारे यहाँ फुटेज मिल जाएगा। तो आप जब भी कन्याकुमारी आएँ तो बापू भवन ज़रूर घूमें एक बार और दर्शन करें। और आइए हम इसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं। और यहीं से हम ऊपर बढ़ेंगे, टॉप पे चलेंगे यहाँ से। ये माता पार्वती का मंदिर है, जहाँ माँ पार्वती पूजा करती थी, और उनकी यहाँ चरण पादुका है। हेलो दोस्तों, अभी यहाँ से हम स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी से एक पुस्तक और उनकी एक छोटा सा मैं ग्राफिक्स लिया हूँ। और अभी यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ निकलेंगे फिर बोट से, और ये देख सकते हैं ये पूरी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के अधिक से अधिक बुकें आपको मिल जाएंगे, हर एक तरह का बुक मिल जाएंगे, मेडिटेशन जैसे बुक मिल जाएंगे, आप जैसा चाहें वैसा आपको बुकें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ भी पूरी ये बुकें भरी हुई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से हर प्रकार का बुक मिल जाएगा। तो आप तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं सारा आपको मार्केट ये दिखाई दे देगा यहाँ से जहाँ तक है। और वही है सामने देख सकते हैं स्टैचू है, और रेड कलर में जो देख रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद मंदिर है, और वहीं पर जो ब्लैक में छोटा सा दिख रहा होगा वो माँ पार्वती का मंदिर है। और ये सारा समुद्र है आप देख सकते हैं इधर तक देखिए, और सामने देख रहे हैं एक और पॉइंट है, और सनसेट का टाइम है, देखिए कितनी खूबसूरत। इसी टाइम का हमें इंतज़ार था, लेकिन मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस थोड़ा सा कम है। तो और यहाँ देखिए सारे लोग आप देख सकते हैं बीच के किनारे सब लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, और जो सपना था कि कन्याकुमारी में पहुँचो, तो फाइनली मैं कन्याकुमारी आ चुका हूँ। और ये सारा मार्केट है यहाँ पे, फिनिशिंग मार्केट, ये देखिए ये बीच का ग्राउंड है आप देख सकते हैं, और यही बापू भवन है। नीचे उतरते हैं। हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो बस एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर ये बताने का प्रयास करें आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अगर गलत है भी बताएं और सही है भी बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूँ
और आगे भी आपको अच्छे से लोकेशन पॉइंट में दिखा सकूँ। और ये हमारे सामने देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद पॉइंट है, यहाँ हम भी गए थे और यहाँ से वापस आए हैं। तो आप भी आइए तो ज़रूर घूमने का प्रयास करिए। और इस समय देखिए सनसेट का टाइम कितनी खूबसूरत लग रही है। कृष्णा